ओ माजिरे नदिया किनारे अपना धारा। अरे अरे यार, कैमरा वाले भैया ये बहुत चीटिंग है, कहीं पर रहने नहीं देते। चलो फिर, आप लोगों से फिर मुलाकात हो गई, कुछ ही देर पहले मिले थे, बहुत बढ़िया हुआ। तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, और आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो पे और एक अनोखा जगह पे लेके आया जमशेदपुर में। ये भी पहली बार है क्योंकि जमशेदपुर मिरर की टीम जो है वो कुछ अनोखा खोज के निकालती है, दूसरे चैनल भाई घिसे पीटे डेली के बाद दिखाते, लेकिन हम जो अक्सर कुछ खास लेके आपके सामने आते हैं। और इसी के साथ जो है हम लेके आपको आ गए हैं एटमोसफियर। एटमोसफियर नाम कुछ अपने में ही यूनिक है और जगह भी यूनिक है, और क्यों यूनिक है और हम यहाँ पर क्यों आए ये भी आपको बताएंगे। शहर में कई सारे रेस्टोरेंट जो है वो डेली ओपन होते हैं, डेली खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों आए इसका पीछे भी एक राज है। तो बाय द वे, मैं विक्टर और आप देख रहे हैं जमशेदपुर मिरर, आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम बोले कि हम मौजूद है एटमॉस्फेयर में, इसमें मौजूद होने का जो कारण है वो हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर बाद रिवील करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं अंदर और अंदर जाके इसका जो एम्बियंस है उसका मजा आपको उठाते हुए देखते हैं। आप हम भी देखते हैं, आपको भी उठाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले तो यहीं से शुरुआत कर दीजिए, काफ़ी खूबसूरत सा है जगह। और देखिए यहाँ पर जो है इस तरह का पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है शावर जैसा यहाँ पर, और ड्रिप ड्रिप होके आ रहा है और यहाँ पर कलेक्ट होता है। काफ़ी सुंदर सा लग रहा है लाइट के साथ, गोल्डन लाइट जो है उसके साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर देखने के लिए। और जो ये कलर दिया गया है, इसमें कलर टोन जो सेट किया गया है काफ़ी अपीलिंग है, मतलब एक प्रीमियम लुक दे रहा है, प्रीमियम एक आपको देखने को मिल रहा है। और देखते देखते इधर जब हम लोग जाएंगे तो ऊपर जाने का है तो ऊपर जाएंगे, तो आप आगे चलिए फिर हम चलते रहते हैं आपके साथ साथ, तो आप लोग देखते हुए चलिए। माइंड योर स्टेप्स, यहाँ पर आते हैं धीरे 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 धीरे। और अब यहाँ क्यों आए हैं इसका पीछे का जो राज है ना वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो तब तक जो है और भी लोग हम सबके साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद हम जो है आपको बताएंगे। तो इधर चलते हैं, तो यहाँ जो है एम्बियंस कुछ इस तरह का है और लाइट जो है अभी कुछ देर में ऑन हो जाएगी, तो हम लोग थोड़ा बाहर आते हैं, बाहर आके आपको दिखाते हैं क्यों यहाँ पर आए। और ये जो है ये इसका मुख्य आकर्षण है, जो ये व्यू है, ये व्यू इसका मेन इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जमशेदपुर के शहर में पहली बार ऐसे कोई रेस्टोरेंट है जो कि रिवर साइड है, रिवर का व्यू आपको पूरा मिल जाता है, काफ़ी सुंदर सा व्यू आपको देखने को मिलता है। जब ये सनसेट होता है तो सनसेट होने के समय में काफ़ी बढ़िया सा, काफ़ी सुंदर सा व्यू मिल जाता है। वहाँ पर जो आप सामने देख पा रहे हैं वो एक डाइनिंग स्पेस बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग जो है डाइनिंग करते हुए रिवर का जो व्यू है, एम्बियंस है, उसको ले सकते हैं। फ्रेश हवा जो है, एक तरफ तो मरीन ड्राइव है और दूसरे तरफ अगर आप देखते हैं सब कुछ भुला के, दुनिया से अलग होके इस जगह में एक खास आपको दिखता है। दूर में पहाड़ है, नदी है, नदी का साइड है और रिवर साइड में एक ऐसा एम्बियंस काफ़ी अच्छा अनुभव देता है। तो अब जो शौकीन है, जिन लोग डाइन करने के लिए शौकीन है, जिन लोग घूमने फिरने के शौकीन है, और जिन लोग खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए एक और नया जगह जो है वो उभर के आ गया हमारे जमशेदपुर शहर में, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। और इधर भी आते हो तो इधर कोई ख़राबी नहीं है, फिलहाल यहाँ पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है जिस वजह से किचकिच हो गई है, लेकिन ये जो किचकिच है कुछ समय बाद हट जाएगी। और हटने के बाद जो ये सीन है जो सनसेट के बाद की जो सीन है, लाइट से स्ट्रीट लाइट्स आपको दिख रही है, दूर में बिल्डिंग्स में लाइट दिख रही है, और सामने की तरफ क्या है ये आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो हमारी एक वीडियो है, पेज को ऐसे ऐसे स्क्रॉल अप करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी कि ये जगह कौन सी है। तो जाके एक बार सर्च कर लेना दोमोनी पार्क के नाम से हमारे पेज पे। और आगे क्या चलते हैं, इधर भी आते दिखाते हैं आपको, पूरा एक एक कोना दिखाएंगे ताकि आप ना बोले कि कोई जगह हमने छोड़ दिया आपको दिखाने में। और काफ़ी स्वीट सा एक म्यूज़िक भी बज रहा है यहाँ पर, और ये जो है इस तरफ में भी काफ़ी वाइड एक
व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सुंदर सा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया एम्बियंस जो है यहाँ पर आपको फील होगा। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक नॉर्मल से जगह पे आए, आपको लगेगा जमशेदपुर के बाहर आ गए। हालांकि जमशेदपुर का जो नाम है वही अपने आप में खास है और जमशेदपुर शहर जो है वो अपने आप में खास है, तो यहाँ का हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ खासियत जो है वो ज़रूर बनती है। तो अभी हम लोग उधर भी चलेंगे जहाँ पर डाइनिंग स्पेस था, जहाँ से हम लोग देख रहे थे कि लोग जो है बैठ के डाइनिंग कर रहे हैं, और यहाँ से भी जा सकते हैं। ये वो तो जा रहे हैं अंदर, कुछ और लोग हैं सर, वो चलते हैं अंदर, आपको ये जगह भी दिखाएंगे कि कैसा है। थोड़ा लाइट्स ऑन कर दीजिएगा ताकि दर्शक जो है उनको दिखा सके किस तरह का यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ना आप बर्थडे मनाने आओ या फिर कोई भी आपका ओकेशन हो, स्पेशल ओकेशन वो मनाने आओ, लेकिन आपको यहाँ पर एम्बियंस जो है वो काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा। और अमित जी चलिए उधर थोड़ा बैठते हैं, देखते हैं हम लोग भी नज़ारा देख लेते हैं, आप भी आइए उधर से आगे। इधर लेकिन एम्बियंस जो है ना काफ़ी सुंदर सा एम्बियंस है यहाँ पर, अगर हम लोग देखते हैं। और इस जगह में आशा करते हैं कि आप लोगों को साउंड जो है वो क्लियर आ रहा है, माफ़ करिएगा अगर लाइट की कमी आपको महसूस हो रही है, तो वो ये जो है स्टाफ यहाँ पर वो ऑन कर रहे हैं उसको और ऑन करके हमें दिखाएंगे, लेकिन हम जो है आपको ये व्यू दिखाना चाहते हैं। यहाँ से अगर आप व्यू देखते हैं तो काफ़ी वाइड एक पैनल आपको देखने को मिल जाता है और इस पैनल में काफ़ी सुंदर सा व्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी बढ़िया है। अगर आप डे टाइम पर आते हो, नाइट में भी आते हो तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी सुंदर सा है, काफ़ी बढ़िया सा है और लाइट का लाइट जो है कुछ इन लोगों का काम चल रहा है तो जिस वजह से लाइट्स में प्रॉब्लम है, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये पूरी कोशिश करेंगे हमें भी कोऑपरेट करने का और हम जो है आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये लाइट जब तक ऑन हो रही है तो आप यहाँ का शांति से थोड़ा व्यू ले लीजिए। चलिए बैल्कनी चलते हैं, इधर भी एक बैल्कनी है तो वहाँ से हम लोग व्यू लेते हैं। देखिए लाइट जो है एक गोल्डन स्वीट सॉफ्ट लाइट जो है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा और काफ़ी अपीलिंग लाइट है ये भी, और जो अक्सर ये पार्टी वगैरह में यूज़ किया जाता है इस तरह का लाइट है जो मन को एकदम शांत कर देता है, मन को एकदम शांत करके आपको लगेगा कि आप एक खास माहौल में आ गए हैं। और यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का भी सेलिब्रेशन किसी ने किया होगा या फिर कोई आने वाला हो उनके लिए रेडी किया है, तो आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो आप भी करवा सकते हैं आके, साथ ही साथ यहाँ आ जाइएगा अमित जी। और ये देखिए सनसेट के बाद का भी जो माहौल है काफ़ी खुशनुमा सा माहौल है यहाँ पर, और नदी का तट पे जो साइड में रिवर के साइड पे इस तरह का एक जगह मन को काफ़ी शांत कर देता है। अगर आप एकांत में भी आना चाहते हैं तो आके ज़रूर एक आपको अच्छा सा माहौल मिलेगा, अच्छा सा जो है एम्बियंस मिलेगा जगह का। और खाने पीने का जो बात है वो तो हम आपको बता नहीं सकते, वो अपने ऊपर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने ऊपर है, और यहाँ पर जो है हम लोग बात भी करेंगे अंदर में जाके, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आ गया और कैसे करके आपने ये सारी चीज़ें को स्टार्ट किया है। तो आप इधर दिखाते रहिए, हम बातचीत करते हैं। Thank you.
देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सुंदर है, तो थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे कि क्या ये है वो यहाँ के ओनर से भी कि कैसे करके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा। काफ़ी सुंदर सा एक कॉन्सेप्ट है और हमारे जमशेदपुर शहर में पहली बार इस तरह की एक कॉन्सेप्ट जो है वो मिल रही है। आ जाइए अमित जी, चलते हैं, आराम से आइएगा। हाँ अभी भी जो है ये सजावट हो ही रहा है क्योंकि ये रिसेंटली ओपन हुआ है, शायद एक दो दिन ही हो रहा है क्योंकि रिसेंटली ओपन हुआ है और इसका जो सजावट है अभी भी चल रहा है। देखिए आपको दिखा दीजिए अब लाइट में कैसा दिख रहा है आपको। बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर, सर यहाँ पर जो आए हैं जमशेदपुर में पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि रिवर के साइड पे है, रिवर व्यू के साथ है, तो कैसा लग रहा है यहाँ का एम्बियंस आपको? ये मेरा पहला विजिट है यहाँ पे और एम्बियंस देख के तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, प्लस रिवर साइड बैठने से एक अलग फील आता है कि हम लोग एक एनवायरमेंट के बीच में बैठ के कुछ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। देखिए एक्सपीरियंस जो है वो क्योंकि यूनिक है, जमशेदपुर में पहले बार ऐसा है तो ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा अगर आप भी यहाँ पर विज़िट करते हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है तो इनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी यूनिक है, इसका आइडिया का लेकर थोड़ा शेयर करिएगा हम लोगों के साथ ताकि दर्शक भी जान सके ये सारी चीज़ों को। इसका जो व्यू है ये तो ऑसम व्यू है और इसका यहाँ का जो फूड है मतलब डिलीशियस फूड है, इसका मतलब जमशेदपुर का जितना भी रेस्टोरेंट है मैं बोलूँ तो यहाँ का जो फूड एक बार आप जो खाएंगे असम मतलब असम है और बोलने का कुछ नहीं है, मतलब विजिट कीजिए डेफिनेटली आपको कोई भी किसी को भी एम्बियंस भी अच्छा लगेगा, खाना भी अच्छा लगेगा। ये बताइए कितना समय में मतलब ये जो ओपन हुआ है कितने दिन हो गया इसको ओपन? आज से मतलब 10 दिसंबर ये ओपन हुआ, 4 दिन हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि रिसेंट है उसीलिए अभी भी सजावट जो है इसका चल ही रहा है और सज रहा है और सस्ते सस्ते और सुंदर हो जाएगा ये जगह, तो कुछ दिन बाद आइए, अभी भी आइए तो काफ़ी सुंदर आपको देखने को मिल जाएगा। भाई बताइए इसका ओपनिंग टाइम कैसा क्या है रहेगा? 11 o'clock ओपनिंग है टिल 11 o'clock, तो आपको 11 से 11 जो है डे टाइम में आपको डे से नाइट तक आपको पूरा ओपन रहेगा और साथ में और एक चीज़ जो है वो यहाँ पर पूछ लेंगे हम लोग क्योंकि खाने पीने के शौकीन नहीं तो फिर हमें डांटेंगे, तो ये एक चीज़ पूछना था आपसे, आपका जो मेनू है जैसा आपने कहा कि डिलीशियस है आपका यहाँ पर जो भी मेन्यूज मिलता है, तो मेनू में कुछ यूनिक बता दीजिए, क्या ऐसी यूनिक डिश मिल जाएगी आपको? नॉन स्पाइसी में चाहिए तो चंदनी मलाई कबाब वेरी नाइस, आइदर कॉन्टीनेंटल चाहिए, कॉन्टीनेंटल का भी बहुत सारा वैरायटी आइटम है, आप आइए एक बार विजिट कीजिए, हमारा मेनू भी देखिए आपको अच्छा ही लगेगा। तो देखिए मेनू में भी इनके पास ये कह रहे हैं कि इनके पास यूनिक कुछ कुछ डिशेज जो है स्पाइसी नॉन स्पाइसी वेज नॉन वेज दोनों में मिला के काफ़ी सारे यूनिक डिशेज जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी अब देखिए इस तरह का जो है एम्बियंस आपको सनसेट के बाद भी देखने को ज़रूर मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया सा जगह है यहाँ पर। आशा करते हैं कि आपको जो लाइव है वो अच्छा लगा होगा
और पिछले कुछ लाइव्स में जाकर देखना, और भी एक्सप्लोरिंग वीडियोस जो है वो हमने डाली है। ऐसे कुछ नए चीज़ जो है अक्सर खोजते रहें या आपके सामने पेश करते रहें, हमारे साथ बने रहेगा। जमशेदपुर मिरर की पेज को अगर आप देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आप यहाँ पर आए हो कि नहीं खुलने के बाद, और अगर आओगे तो कैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पर आने के बाद में। फिलहाल के लिए अलविदा लेते हैं, मैं विक्टर जमशेदपुर मिरर की ओर से, टाटा बाय बाय, और ध्यान रखिएगा अपना।